सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम यहाँ पर जा रहे हैं एक जगह पर, तो हम वहाँ पर आ चुके हैं जो कि अभी राधा रानी जी का वीडियो वायरल हुआ है, तो उनके घर हम यहाँ पर आए तो हुए मेरे हैं। प्यारे साथियों, जो कि हम पहले अरियारी आए, फिर जींजक आए, जो कि हमने बहन जी से थोड़ी बहुत बातचीत की, उन्होंने एकदम मिलने के लिए एग्री हो गई। बड़े अच्छे और बड़े विनम्रता से हमसे बात की, जो कि ऐसे लोग जब वायरल हो जाते हैं बड़े रूडली बात करते हैं, लेकिन इनका नजरिया मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा, पहले तो, शुक्रिया और सभी लोगों से। नमस्ते। आप कुछ बताएं अपने बारे में। बताएं क्या, हमने ऐसे डारो वीडियो, हमने कि जब पता नहीं चले है कि नहीं चले है, लेकिन हमने ऐसे अचानक डरवाए दो अपनो ब्लॉग, तो मेरो ब्लॉग चल गो आप, लेकिन हमारे चलाए से नहीं चल गो, आप लोगन की दुआ, आप लोगन के चलाए से बिल्कुल चलो बिल्कुल, है। आपने बिल्कुल सही हमारी बोला। दुआ नहीं है वो, आप लोगन को आशीर्वाद है तो संगत तो चल गई, और आप लोग चाहिए हो तो फिर बाको कुछ प्रयास करें, लेकिन हमने अपनी आईडी दूसरे को दे रखी, हमने बोले कि सजियारी में चले। की निंदा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी पड़ोसी हैं, उनकी रिलेशन वाली हैं, जो भी हैं वो खुद बता रही हैं उनके बारे में। हालांकि हम उनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो आप भी सोचेंगे, और जिसमें शिवानी जी इस ब्लॉग को देखेंगी तो वो भी थोड़ा सा निगेटिव वे में सोचेंगी, लेकिन मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। और हमसे मना करी गई कि कोई ब्लॉग बना बना ना दियो, लेकिन हम इतना लंबा घमंड नहीं भैया कर पाए हैं कोई से, जो हम ब्लॉग ना बना बनना बना दे कोई को। आप लोगन की दुआ है, हम आप लोगन के संगे हैं, आप लोग हमारे संगे हैं, लेकिन हम घमंड जरूर कभू ना करो है, बस अब माफी मांगा इतनो लंबो कभू नहीं घमंड करो ना करें, और करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करेंगे। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहने का मतलब ये है। आपने पहली बार इन्होंने पहला ब्लॉग बनाया, ऐसा वायरल हुआ। गाइस, हम कन्नौज से चल के आए, जो मित्र मेरे ट्राइपॉड पकड़े हुए जो कि शूट करे इस वीडियो को, ये छिबरा मुंह से चल के आए हैं, समझ लो कितना मुझे अच्छा लगा इनसे मिलके। हमने उन्हें दे दो बंद कर रखो, तो अब चालू करो या ना करो तो बंद कर रखो, तो हमने कही अगर चालू कर लियो तो बामो आपको कछु बा है, हमो के थोड़ी बा हो जाए, और नहीं अगर तो फिर कोई बात ही नहीं, आपकी मर्जी है। मतलब हमने अपने दिल से निकाल के दे दो, चलाओ या ना चलाओ आपकी मर्जी, अगर चलाइयो, अगर आप सोचे हो मेरे पालन पोषण कर रही थी जैसे करियो तो ठीक है, नहीं करियो तब हमें आत्मा में तसल्ली है, बस जो भी कुछ है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिल से इनके शुक्रिया अदा करना चाहते, क्योंकि हम इतनी दूर से इनसे मिलने के लिए आए, इन्होंने कोई घमंड नहीं किया, बड़े अच्छे से बात की। तो दीदी, बहुत ही अच्छा किया आपने मुझसे बात की, आपने मुझसे मिला और मेरे ब्लॉग में आप आई, तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो तो चल के तो ऐसा लग रहा हो कि शायद की बात हो सकत का जान की लाने में खतरा हो। ना ना ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, इस बार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, वो तो आप लोगों की दुआ है। तो बस अपने वीडियो को हम एंड करना चाहते हैं। अगर गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और दीदी को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और दीदी से थोड़ा सा हम बुलवाना चाहते हैं, जो दीदी ने अपने ब्लॉग में बोला था, क्या क्या बोला था वो सुने आप अपनी जुबानी, बोले प्लीज दीदी आप। छू यही बोलो तो किस वाणी ने मतलब न लगवाओ है, उनने माए घर को पालन पोषण करो है, और आप नहीं अगर आप लाइक कमेंट करिए तो, अगर करिए तो ठीक, नहीं करिए तो जो है वो तो आई गड्ढा में जैसे डरे हैं तो डरे हैं, और आप लोगन को सहयोग अगर उठाना चाहोगे तो हमारा सहयोग तो आप लोगन के पास हमेशा ही रही है, लेकिन करियो चाहे ना करियो, लेकिन हमारा सहयोग आप लोगन के पास हमेशा रही है, और मेरे घर पे आओ, मेरी स्थिति देखो जो सही हकीकत है, तो आप लोगन के विश्वास हुए कि हाँ बिल्कुल यह बात सही है या झूठ है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तो ब्लॉग शूट करके आए, घर का भी और दीदी से भी मैंने बात की, लेकिन जो आपने जो अल्फाज उस समय बोले थे वो आप बोले, लाइक करें, शेयर करें, बड़ा अच्छा तरीका तो लगा मुझे आपका। मैं यार हाथ जोड़ के विनती सबसे है, सभी लोग उनके लाइक करें और का लाइक कमेंट शेयर करें, और बढ़े आगे सब लोग, आप लोग भी आगे बढ़े।